नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। देश में हर दूसरे दिन नया रिकॉर्ड बना रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच अब पेट्रोलियम मंत्री भी बदल गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है और अब तक इस अहम मंत्रालय की कमान संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। इसके साथ ही आज यानी कि गुरुवार 8 जुलाई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच सीएनजी का रेट भी बढ़ गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा झटका लगा है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी का भाव 43.40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 44.30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और यही नहीं, पाइप से पहुंचाई जाने वाली घरेलू रसोई गैस का रेट भी बढ़ा दिया गया है। आज पीएनजी की कीमत बढ़कर 29.66 रुपए प्रति घन मीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें बुधवार देर रात यानी कि 12 बजे से ही लागू हो गई। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के रेट में इजाफा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है और अब इन इलाकों में सीएनजी 49.08 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 49.98 रुपए। वहीं यहां पीएनजी भी 29.61 रुपए प्रति घन मीटर हो गया है। गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा कर दिया है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 6 महीनों में लगभग 16 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपए के पार हो गया है। 1 जनवरी को यहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 83.71 रुपए थी तो वहीं गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 100.56 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। तो दिल्ली के इतिहास में पेट्रोल में सबसे अधिक दाम है। राजधानी दिल्ली में मई व जून यानी कि 2 महीनों में पेट्रोल के दाम 30 से अधिक बार बढ़े हैं। मई में पेट्रोल के दामों में 14 से अधिक बार बढ़ोतरी हुई है तो जून के महीने में 16 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1 मई के बाद से पेट्रोल के दाम करीब 10 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग नारायण के मुताबिक पेट्रोल के दामों में इजाफा पैसों में हुआ है लेकिन दामों में धीरे धीरे हुई इस बढ़ोतरी से पेट्रोल नई ऊंचाइयों पर है। इससे ना ही डीलर्स को फायदा हो रहा है और ना ही लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और आलम यह है कि एनसीआर के सभी शहरों की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा हो गया, जिसके तहत दिल्ली में बुधवार को 100.21 रुपए प्रति लीटर बिका तो वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 97.24 रुपए प्रति लीटर रहे। इसी तरह नोएडा में पेट्रोल के दाम 97.44 रुपए प्रति लीटर रहे तो गुरुग्राम में 97.88 रुपए प्रति लीटर और सोनीपत में 97.62 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं।